नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ, जिसमें शिक्षक वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार के 5 सीटों के लिए हुए मतदान को लेकर राज्य के 27 जिलों में 631 मतदान केंद्र बनाया गया, जहां शुक्रवार को मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया। वहीं इसको लेकर कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को लेकर भागलपुर के नगर निगम परिसर समेत जिले के सभी 17 बूथों पर शुक्रवार की सुबह 8 बजे से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो शाम 4 बजे संपन्न हुई। इस दौरान काफी संख्या में शिक्षक मतदाताओं ने अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। बता दें कि कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में कुल 7 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि भागलपुर के अलावा पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया, अररिया, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जिला का क्षेत्र आता है, जिसको लेकर अलग अलग जिले में बनाए गए बूथों पर शिक्षक मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं वोटों की गिनती 5 अप्रैल को होगी, जिसमें प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। जबकि इसके साथ ही चुनाव को लेकर बीजेपी और महागठबंधन के समर्थकों के द्वारा किए जा रहे जीत के दावों की सच्चाई भी सामने आएगी। इधर भागलपुर नगर निगम परिसर में बनाए गए मतदान केंद्र पर बम्पर वोटिंग की बात कही जा रही है और दोनों ही पक्ष के द्वारा अपने अपने प्रत्याशी के जीत का भरोसा जताया जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जबकि घुरनपीर शाह की दरगाह के समय वोटरों के लिए शिविर लगाया गया था, जहां पोलिंग एजेंट के अलावा अलग अलग प्रत्याशी समर्थक भी मौजूद रहे। इधर जगदीशपुर प्रखंड के सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में बनाए गए बूथ पर भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया गया, जहां 59 में से 57 वोटरों ने मतदान किया, जिसमें 34 महिला और 23 पुरुष वोटर शामिल रहे। भागलपुर पीरपैंती रेफरल अस्पताल में प्रसव कराने पहुंची इशीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शामपुर गांव निवासी मुन्ना अंसारी की 20 वर्षीय पत्नी अफसरा खातून की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों और मौजूद लोगों ने चिकित्सक और नर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए देर तक जमकर हंगामा किया। इस दौरान डॉक्टर एवं नर्स की लापरवाही को लेकर उचित कार्यवाही की मांग करते हुए मृतिका के परिजनों ने प्रभारी डॉक्टर सुकेश कुमार को आवेदन दिया। दिए गए आवेदन में बताया गया कि 29 मार्च को रात्रि 9 बजे प्रसव के लिए वे अपनी पुत्री अफसरा खातून को लेकर रेफर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर एवं नर्स की लापरवाही से उनकी बेटी की हालत और बिगड़ गई। जबकि अस्पताल की नर्स प्रीति कुमारी एवं रेखा देवी के साथ डॉक्टर रवि कुमार पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार आरोपियों को बताया गया है। पीड़ित परिवारजनों का कहना है कि अफसरा ने देर रात एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद उसकी हालत और बिगड़ गई, लेकिन इस बीच डॉक्टर और नर्स ने एक बार भी उसकी सूध नहीं ली, जिसके कारण उनकी बेटी की जान चली गई। इधर मृतिका की मां समीना खातून ने बताया कि जब प्रसव के लिए अफसरा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो तभी से नर्स का व्यवहार उन सभी के साथ ठीक नहीं रहा, जबकि काफी मिन्नत करने के बाद नर्स प्रीति कुमारी ने 1,000 रुपये की मांग की। इधर घटना को देखते हुए चिकित्सा विभाग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा जांच कर इसमें शामिल दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की बात कही गई। वहीं प्रभारी डॉक्टर सुकेश कुमार ने इस घटना को लेकर बताया कि प्रसव में जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ विभाग की कार्यवाही की जाएगी। इधर इसकी सूचना मिलते ही पीरपैंती थाना के SI अभिमन्यु पासवान दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराया। उसके बाद भी आप किसी को 200, किसी को 50 रुपया, किसी को पैसा देने के बाद पूरे तो नहीं निकाला। हमको क्या मालूम कि बच्चा जब खलास हो गया तो पूरे छोड़ दिया। हमको दिल में तो ये ठोने था, जब बच्ची मेरा थी सीट पर सोला दी, हमारी बच्ची आँख निकालती थी, अम्मी बहुत दर्द हो। अम्मी हम बाबू की इतना दर्द हो तो हम सोचे कि दर्द होता है बाद तक ले, लेकिन हमार बच्ची आँख निकालती थी, निकालने लगी। तब नर्सिनिया आई तो सब आली बैली सब औरत सब, तब उसको पेट उठ झोल झाल के निकाली है। पूरे ने इतना बड़ा, हमको क्या मालूम, तो तुरंत घर में खून इतना बड़ा कहाँ जम जाएगी, वो पूरे छोड़ दिए। घटना है, इसके संबंध में मुझे जानकारी मिली है, सब परिजनों के द्वारा कहा गया है कि अपनी रात के संबंध में शिक्षक के द्वारा लापरवाही मेरे सामने पलटी गई। हमने उनको जाने दिया, वो नहीं आए, इसके चलते मेरा मरीज सुबह 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 चला गया है और सब जगह
भी मुझे फ़ोन सवेरे जब मैं देखने गया था तो मुझे देखा तो ट्रीटमेंट किया गया इसकी कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। हिंदुत्व सेवा संघ की ओर से गुरुवार को कालेश्वर धाम बड़ी खंजरपुर मायागंज से रामनवमी को लेकर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। दोपहर बाद निकली शोभा यात्रा छोटी खंजरपुर रानी लक्ष्मीबाई चौक समाहरणालय कचहरी चौक पोस्ट ऑफिस घंटाघर होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। वहीं शोभा यात्रा में ढोल नगाड़े और बाजे गाजे के साथ डीजे की धुन पर राम भक्त झूमते रहे। इस दौरान पुरुष महिला और युवाओं के साथ काफी संख्या में युवतियों और बच्चे भी शोभा यात्रा में भगवान राम और सनातन धर्म का नारा लगाते दिखे, जबकि भक्ति धुनों पर महिलाएं और बच्चे भी जमकर थिरकते दिखे। वहीं शोभा यात्रा में सुरक्षा को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुरुष और महिला अर्धसैनिक बल, रैपिड एक्शन फोर्स BMP और जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। अलग अलग चौक चौराहों के अलावा शोभा यात्रा और भगवान राम की प्रतिमा के इर्द गिर्द हथियार से लैस सुरक्षा बल और भागलपुर पुलिस के वरीय पदाधिकारी समेत के इंस्पेक्टर और दरोगा भी शोभा यात्रा में निगरानी करते दिखे। इधर हाथों में भगवा ध्वज लिए युवाओं को उत्साह देखकर देखने वाले झूमने लगे और पूरा माहौल भगवान राम के रंग में रंग गया। इसके अलावा शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों के लिए कचहरी चौक पर सेवा शिविर लगाया गया, जहां आने जाने वाले तमाम लोगों को जल और शरबत की सेवा दी गई। इस दौरान दल और समुदाय से अलग हटकर लोगों ने प्यासों को पानी पिलाकर समाज को मानवता का संदेश दिया। शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में राम भक्त पुरुष, महिला, युवक, युवती और बच्चे के अलावा अलग अलग दल एवं संगठन के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता समेत आम और खास लोग शामिल रहे। रामनवमी को लेकर भागलपुर के विभिन्न हनुमान मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर ध्वजा और महावीरी पताका चढ़ाया गया। इसको लेकर सुबह से ही बांस की खरीदारी का बाजार गर्म में रहा, जिसके बाद साफ सफाई और सिंदूर घी से रंग रोगन किया गया। वहीं इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार कर भगवान राम, माता सीता और राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना कर ध्वजा चढ़ाया गया। भागलपुर के घंटाघर चौक, फिकनपुर, कचहरी चौक समेत शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों में उत्साह और भक्ति के साथ रामनवमी पर पूजन कर बजरंग बली को महावीरी पताका एवं ध्वजा चढ़ाया गया। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन पूरे विधि विधान से मां दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शुक्रवार को दशमी के दिन मां दुर्गा की कलश विसर्जन पूजा की गई। वहीं इस दौरान भागलपुर शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी वासंती नवरात्र पूरे धूमधाम से की गई, जिसको लेकर कई जगहों पर मेला का भी आयोजन किया गया। भागलपुर के नाथनगर में जहाँ देवी दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा की गई, जबकि शहर के दुर्गाबाड़ी और कालीबाड़ी के अलावा भिकनपुर, बढ़ई टोला, सिकंदरपुर, दिनेश्वर धाम, दुर्गा मंदिर, खंजरपुर, बरारी समेत कई दुर्गा पूजा पंडालों में माता रानी की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की गई। इधर दिनेश्वर धाम मंदिर के समीप स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुक्रवार को प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा निकाल कर की गई। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार राज्य पंप चालक संघ के बैनर तले हर घर नल जल योजना पंप चालक सेवा संघ द्वारा भागलपुर समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अपनी प्रांतीय संयोजक कामदेव कुमार यादव के नेतृत्व में जिले के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों से आए पंप चालकों ने अपनी मांग के समर्थन में आवाज बुलंद की और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। वहीं धरना के दौरान 24 घंटे के अंदर बकाया मानदेय भुगतान करने, प्रत्येक महीने की 10 तारीख को मानदेय बैंक खाते में ट्रांसफर करने, मानदेय प्रतिदिन 1100 रुपये की दर से तय करने, नियमित सेवा
की अस्थायी नियुक्त करने और भविष्य निधि कटौती एवं जीवन बीमा लागू करने की मांग की गई। इसको लेकर प्रांतीय संयोजक कामदेव कुमार यादव ने कहा कि जलापूर्ति का कार्य आवश्यक सेवा के अंतर्गत आता है और नियमित सेवा देने के बावजूद लंबे समय से उन लोगों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे सभी पंप चालक की माली हालत काफी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सुल्तानगंज के पंप चालकों द्वारा कार्यपालक अधिकारी को पिछले वर्ष से कई बार इस समस्या की शिकायत की गई, लेकिन ना तो उन लोगों का बकाया भुगतान हुआ और ना ही सेवा स्थायी की गई। कामदेव यादव ने कहा कि 15 दिनों के अंदर अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो वे सभी उग्र आंदोलन को विवश हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार बिहार सरकार और संबंधित पदाधिकारी होंगे। धरना प्रदर्शन में अरविंद कुमार शाह, सुनील कुमार, चंदन कुमार, संदीप कुमार और मनीष समेत कई पंप चालक और संघ के सदस्य मौजूद रहे। वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स की ओर से इंटर साइंस वाले छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें संस्था के संस्थापक जेपी उजाला के द्वारा बिहार बोर्ड में सफल होने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जेपी उजाला ने कहा कि यह उन सभी के लिए गर्व की बात है कि उनके संस्थान में अध्ययन करने वाले नवादा जिले के छात्र अभिषेक राज ने बिहार में 5वां रैंक प्राप्त किया है, जबकि इसके अलावा सलोनी कुमारी भागलपुर जिला टॉपर देवम प्रकाश और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले नवनीत कुमार भी उन्हीं के संस्थान के छात्र रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा आरा के टॉपर त्रिदेव कुमार समेत बेहतर परिणाम प्राप्त करने वाले कई छात्र छात्राओं ने भी वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स से पढ़ाई कर सफलता का मुकाम हासिल किया है। साथ ही जेपी उजाला ने बताया कि समारोह में कई ऐसे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने भौतिकी विषय में 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है। समारोह में भागलपुर के शिक्षाविद, सीएनएम केमिस्ट्री के सुधाकर मिश्रा, बॉन्डिंग केमिस्ट्री के उत्सव ठाकुर और द लीग इंग्लिश के आग्रह कुमार ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए शुभकामना दी और सम्मानित किया। आज का ये कार्यक्रम 2023 में बिहार बोर्ड क्लास 12th में जो भी बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं या जिनका मार्क्स बहुत अच्छा है, जो डिस्ट्रिक्ट में रैंक किए हैं और बिहार में भी स्टेट टॉपर या स्टेट में टॉप 10 में हैं, उन सभी बच्चों को सम्मानित करने का ये प्रोग्राम रखा गया है। स्टेट रैंक में टॉप 10 में एक बच्चा अभिषेक राज रैंक 5 और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 देवम कुमार, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट रैंक 3 नवनीत कुमार और आरा डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 त्रिदेव कुमार और नवादा डिस्ट्रिक्ट रैंक 5 सलोनी कुमारी, ये सारे बच्चे हैं। और शालिनी कुमारी जिससे कि फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स है 70 में 68 और टोटल 96 मार्क्स है, इन सब बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। आला सर ने मुझे बहुत गाइड किया, मैं इनसे ऑनलाइन पढ़ाऊँ और सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाई दिया और सिलेबस भी समय से कंप्लीट करवाया और रिवीजन भी करवाया सर ने। कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? सर हम प्रत्येक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देते ही थे, तो इसलिए ऑन एवरेज 10-12 आवर हो ही जाते थे। मुझे 468 मार्क्स है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।